पांचवी विधानसभा का दूसरा विधानसभा सत्र 7 जून से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाना प्रस्तावित है। इसी सत्र में सरकार अपना बजट भी पेश करेगी, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। बजट को आम लोगों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकार लगातार लोगों से सुझाव भी ले रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि ये प्रस्तावित तिथि है, राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक जानकारी बाद में दी जाएगी। ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव जरूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार के कामकाज को विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा काम हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। ऐसा है कि इट वुड बी आइडियल अगर 365 दिन हम गैरसैंण में कुछ काम कर सकें तो आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम या ऐसे कार्य या ऐसे दफ्तर हम लोग खोल पाए ताकि ज़्यादा समय वहाँ पे कामकाज हो सके। और जो बिल्डिंग इतनी भव्य बनी है उस बिल्डिंग के हम पूरी तरह से उसका यूज़ कर पाएं,